निशान और रंजन लीला। श्री यमुना पुलिन पर प्रिया प्रीतम घूम रहे हैं। सखियों की टोली आगे पीछे तथा दाहिने बाएं घेरे हुए चल रही है। श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से श्री प्रिया जी की कमर के दाहिने ओर के अंचल के एक छोर को पकड़ रखा है तथा प्रिया जी श्याम सुंदर के बाएं कंधे को दाहिने हाथ से पकड़े हुई हैं एवं बाएं हाथ से कमल का पुष्प डंडी के सहारे पकड़कर घुमाती जा रही हैं। श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में सोने की बनी हुई मुरली है। इस प्रकार प्यार से सने हुए दोनों एक दूसरे की ओर बीच बीच में झुकते हुए वन की शोभा निहारते हुए बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, पर पुष्पों का चयन करते हुए पथ छोड़कर कभी उत्तर की ओर एवं कभी दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। चंद्रदेव की शुभ्र चांदनी से वन जगमग जगमग कर रहा है। श्री प्रिया एवं सभी सखियां चंपई रंग की रेशमी साड़ियां पहने हुई हैं। साड़ियों की ज्योति से चंद्रमा की किरणों का संयोग होकर एक विचित्र ही आभा फैल रही है। श्याम सुंदर धोती पहने हुए हैं तथा उनके कंधे पर दोनों ओर लटकती हुई गाढ़े पीले रंग की चादर शोभा पा रही है। चादर पर जरी का काम किया हुआ है जो चांदनी में चमचम कर रहा है। श्री श्याम सुंदर के अंग से नीलिमा मिश्रित एवं श्री प्रिया के अंग से पीत कुटित शुभ्र ज्योति निकल रही है तथा अत्यंत मनमोहक सुगंध उड़ उड़कर वन्य पुष्पों की सुगंध को अनंत गुना बना रही है। Dr. Drew and my wife Susan here, we want to show you something. This is what just 10 pounds of body fat looks like. शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो रहा है। पवन के झोंकों से चंपा, स्थल कमल एवं विभिन्न पुष्पों के वृक्ष हिल रहे हैं। हिल हिलकर वे सभी अत्यंत उतावली से प्रिया प्रीतम को बुला रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आओ मेरे जीवन सर्वस्व, तुम्हारे लिए ही पुष्पों की डाली सजा रखी है, अपने प्यार भरे हाथों से इस उपहार को ग्रहण करो। प्रिया प्रीतम दोनों ही वृक्षों की मूक भाषा की प्रार्थना सुनते हैं और पुलिन पथ के प्रत्येक पुष्प वृक्ष के 5-7 पुष्पों का चयन करके एक दो को सूंघ करके गुड़मंजरी की डलिया में उन्हें धीरे से रख देते हैं। कभी श्याम सुंदर प्रिया जी को खींचते हैं, खींचते से ले जाते हैं तथा कभी प्रिया जी श्याम सुंदर को खींचती हुई ले जाती हैं। किसी वृक्ष के पास पहुंचकर प्रिया जी आनंद में भरकर उन्मुक्त कंठ से हंस पड़ती हैं तथा वृक्ष की फूलों से लदी हुई किसी शाखा को झुकाकर श्याम सुंदर के मुख के पास ले जाती हैं। ऐसा करने पर श्याम सुंदर अत्यंत प्यार से श्री प्रिया की ठोड़ी को छूकर हंसते हुए उस शाखा से एक दो पुष्प तोड़कर श्री प्रिया के सिर पर रख देते हैं। श्री प्रिया उसी पुष्प को श्याम सुंदर के कंधों पर रख देती हैं तथा फिर सिर झुकाकर मुस्कुराने लगती हैं। इस प्रकार कभी कुछ एवं कभी कुछ क्रीड़ा करते हुए प्रत्येक वृक्ष लता आदि को छू छू कर उनका आनंद वर्धन करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मयूरों की टोली आनंद में भरकर पंख फैलाकर नृत्य कर रही है। श्याम सुंदर को खींचते हुए श्री प्रिया किसी टोली के पास आ पहुँचती हैं। उनके पास पहुँचते ही मयूरगढ़ को बोलते हुए प्रिया प्रीतम की प्रदक्षिणा करने लगते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, मयूरों मेरी तरह रास नृत्य करके दिखाओ तो सही। इतना कहते ही मयूरी एवं मयूर का एक जोड़ा खड़ा हो जाता है। उसे घेर कर मंडलाकार मयूरी एवं मयूर का दल खड़ा हो जाता है। फिर मध्य में स्थित मयूरी प्रिया जी की ओर देखकर सिर नवाती है एवं मयूर श्याम सुंदर की ओर सिर नवाता है। फिर मयूर कुछ संकेत सा करता है। श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं तथा कहते हैं, हाँ हाँ मैं मुरली बजाता हूँ, तुम नृत्य आरंभ करो। श्याम सुंदर मुरली होठों से लगाकर तान छेड़ते हैं। तान के चढ़ाव उतार की गति पर मयूरी मयूरों का दल पैरों को ठीक प्रकार से नचाते हुए मध्य स्थित मयूरी मयूर के जोड़े के चारों ओर घूमने लगता है। मध्य स्थित मयूरी एवं मयूर दोनों अपनी चोंचों को मिलाकर वहीं अपने स्थान पर ही मुरली के सुर के अनुसार थिरकते हुए घूम रहे हैं। श्याम सुंदर एवं प्रिया जी का मुख इस समय दक्षिण की ओर है तथा सखियां मयूर मंडली की चारों ओर से घेरे हुए क्रीड़ा देख रही हैं। श्री प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। गुड़मंजरी के पास पुष्पों से भरी हुई जो डलिया है उसमें से रानी अपने दोनों अंजलि में पुष्प भर लेती हैं तथा इस प्रकार बिखेरती हैं कि सभी मयूरी मयूरों पर एक दो पुष्प अवश्य गिरते हैं। पुष्प गिरते ही मयूरों का दल आनंद में विवल होकर कलरव करने लगता है। सखियां एवं प्रिया जी और हंसने लगती हैं और सारा वन गूंजने लग जाता है।
इस प्रकार सखियां एवं प्रिया जी हंसते हंसते लोटपोट होने लगती हैं। श्री प्रिया अत्यधिक हंसती हुई और श्याम सुंदर की पीत चादर को झटकती हुई वहीं उनके चरणों के पास बैठकर लोटपोट होने लगती है। श्री प्रिया के बैठते ही श्याम सुंदर भी वहीं धीरे से बैठ जाते हैं पर मुरली बजाना बंद नहीं करते। इस पर श्री प्रिया जी खिलखिलाकर हंसती हुई दाहिने हाथ से श्याम सुंदर का बायां कंधा पकड़कर बाएं हाथ से मुरली को होठों से हटा देती हैं। अब श्याम सुंदर भी अत्यधिक हंसने लगते हैं। मुरली बंद होते ही मयूरी मयूरों का दल नृत्य बंद करके चुपचाप खड़ा हो जाता है पर सखियों के तथा प्रिया प्रीतम के हंसने का एवं मयूरों के कलरव का तार कुछ क्षणों तक टूटता नहीं। कुछ क्षण के बाद श्याम सुंदर पहले संभलते हैं फिर प्रिया जी हंसी संभालती हैं तथा अन्य सभी सखियां भी। अब जो सखियां मंडलाकार खड़ी थीं वे दौड़ दौड़ करके श्याम सुंदर एवं प्रिया जी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। अभी भी बीच बीच में कोई कोई सखी हंस पड़ती हैं। फिर कुछ क्षण के लिए नीरवता छा जाती है। अब इस नीरवता को भंग करके मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय मयूरी मयूरों का नृत्य का पुरस्कार दो। राधा रानी मुस्कुराती हुई खड़ी हैं। श्याम सुंदर की बात सुनकर वे हंस पड़ती हैं। तत्पश्चात वे गुड़मंजरी को कुछ संकेत करती हैं। गुड़मंजरी अपने हाथ की पुष्पों वाली डलिया रूप मंजरी को पकड़ा देती है तथा वहां से दक्षिण की ओर दौड़कर चली जाती है। मयूरी मयूरों का दल अब कुछ शांत सा हो जाता है तथा अपने पंखों को कभी फैलाता है कभी समेटता हुआ पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ा हो जाता है। गुड़मंजरी एवं वृंदा देवी की दासियां इसी समय सोने की 6 परातों में मिठाइयां लेकर आ पहुंचती हैं। मिठाइयां पीले रंग की हैं तथा उन पर सोने एवं चांदी के वरक चढ़ाए हुए हैं। मिठाई की एक परात गुड़मंजरी उठाती है। श्याम सुंदर एवं श्री प्रिया दोनों मयूरों की पंक्ति के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। श्याम सुंदर की बाईं ओर श्री प्रिया हैं एवं श्री प्रिया की बाईं ओर गुड़मंजरी मिठाई वाली परात लिए खड़ी हैं। श्री प्रिया अपने हाथ से परात में से मिठाई लेकर श्याम सुंदर के हाथ में दे देती हैं तथा श्याम सुंदर मयूरों को खिलाना प्रारंभ करते हैं। सखियाँ इस समय ऐसा देखती हैं कि प्रत्येक मयूरी एवं मयूर के पास श्याम सुंदर खड़े होकर एक साथ ही सबको अत्यंत प्यार से खिला रहे हैं। मिठाई खिलाते हुए बीच बीच में मयूरी मयूरों के सिर पर अपना बायां हाथ रखकर उन्हें सहलाते हैं। इस प्रकार कुछ देर तक उन्हें खिलाकर फिर सोने के कटोरे में जल भरकर जल पिलाते हैं और अपने पीताम्बर से मयूरों की चोंचों को पोंछते हैं। उन्हें खिला पिलाकर सखियों की मंडली के सहित पहले की तरह ही श्री प्रिया के अंग से सटे हुए श्याम सुंदर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। जिस समय ऊंचे ऊंचे वृक्षों के पास वे आते हैं उस समय वृक्ष अपनी डालियों को हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। श्री प्रिया अपना अंचल तथा श्याम सुंदर अपना पीताम्बर फैला देते हैं। क्षण भर में ही ऊपर से गिरे हुए पुष्पों से अंचल एवं पीताम्बर की झोली भर जाती है। उसे वे दोनों ही मंजरियों की डलियों में उड़ेल देते हैं। भौरे गुनगुन करते हुए चारों ओर मंडरा रहे हैं। कभी कभी एक दो भ्रमर श्याम सुंदर के एवं प्रिया के गले में झूलती हुई वनमाला पर बैठ जाते हैं। सखियां उन्हें उड़ा देती हैं। इस प्रकार वृक्ष लताओं को छू छू कर उन्हें प्रेम में विभोर बनाते हुए तथा उनके द्वारा दिए हुए पुष्पों के उपहारों को ग्रहण करते हुए वे दोनों अत्यंत विशाल एवं सुंदर ढंग से बनी हुई एक गोलाकार वेदी पर जा पहुँचते हैं। वेदी संगमरमर की बनी हुई है। उसका व्यास करीब 100 गज है। वेदी भूमि से एक हाथ ऊंची है। उसके चारों ओर दो दो हाथ के अंतर पर केले के वृक्ष लगे हैं तथा प्रत्येक वृक्ष के कुछ पत्तों के आपस में जुड़ जाने से मेहराब बन गया है। Do you want to know how to save your marriage, whether your husband is on board or not? If your marriage is stuck, breaking or broken and you're... वेदी के चारों ओर कमल के पुष्पों से पिरोकर चार चार हाथ के अंतर से चार चार हाथ लंबे बेंच के आकार के आसन सजाए हुए हैं। वेदी पर नीली कालीन बिछी है जिस पर अत्यंत सुंदर ढंग से जरी की चित्रकारी की हुई है। उसके दक्षिण के भाग में किनारे से 7-8 हाथ हटकर अत्यंत सुंदर पुष्पों का बना हुआ सिंहासन है। बेला चमेली आदि पुष्पों का बना हुआ छत्र सिंहासन के पिछले भाग को सुशोभित कर रहा है। चंद्रमा की किरणों का प्रवेश होने देने के लिए चांदनी तो हटा दी गई है पर प्रत्येक केले के स्तंभ जो वेदी के चारों ओर लगे हैं उनसे
उनसे संबद्ध करते हुए पतली लताओं के द्वारा अत्यंत विशाल गुंबद वेदी के ऊपर बना हुआ है। लताओं में तरह तरह के पुष्प खिले हुए गुंबद के बीच में अर्थात शिखर के पास नीचे एवं ऊपर दो मणियां जड़ी हुई हैं, जिनकी किरणों से अत्यंत सुंदर उज्जवल शीतल प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश इतना अधिक है कि दिन सा हो गया है। वेदी चमचम कर रही है। इसी वेदी पर श्री प्रिया प्रीतम सखियों की टोली के साथ उत्तर की ओर से चढ़कर चलते हुए सिंहासन के पास आ पहुँचते हैं। वृंदा देवी अपने अंचल से सिंहासन को पोंछती हैं तथा उस पर श्याम सुंदर एवं राधा रानी को हाथ पकड़कर बैठाती हैं। उनके बैठने पर सखियां भी बैठ जाती हैं। ललिता के संकेत करते हुए वृंदा की दासियां तुरंत अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को, जो वेदी के पश्चिम की ओर 10 गज के अनंतर बने हुए छोटे से निकुंज में रखे थे, ला लाकर के रख देती हैं। जिस प्रकार पश्चिम की ओर एक निकुंज है, वैसे ही पूर्व एवं दक्षिण की ओर भी लताओं से बनी हुई उतनी ही बड़ी एक एक निकुंज है। उत्तर की ओर लगभग 40 गज की दूरी पर यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। वेदी के सिंहासन पर बैठे हुए प्रिया प्रीतम यमुना की ओर दृष्टि डालते हैं तथा कभी पीछे स्थित निकुंज की ओर। वृंदा पनबिट्टे से पान निकालकर प्रिया जी के संकेत के अनुसार श्री कृष्ण को देना चाहती हैं, पर श्री कृष्ण पहले प्रिया जी को खिलाने के लिए आग्रह करते हैं। जब प्रिया जी वृंदा के हाथ से पहले पान नहीं स्वीकार करती तो श्री कृष्ण वृंदा के हाथ से पान ले लेते हैं तथा बाएं हाथ से श्री प्रिया के कंधे को पकड़े रखकर दाहिने हाथ से पान को राधा रानी के होठों से लगा देते हैं। रानी लजाई सी होकर पान को अपने दांतों से थोड़ा पकड़ लेती हैं। उनके ऐसा करते ही श्याम सुंदर पान को झटक लेते हैं तथा हंसते हुए यह कहकर कि अच्छा मैं ही पहले खा लेता हूँ, तुम्हारी ही जीत से, वह पान अपने मुंह में रख लेते हैं। प्रिया जी ने बड़ी शीघ्रता से हाथ बढ़ाया पर उनका हाथ पहुँचने के पहले ही पान श्याम सुंदर ने अपने मुख में रख लिया। प्रिया जी तिरछी चितवन से विहसती हुई बोली, धूर्त, इधर सखियाँ हाथों से वाद्य यंत्रों का सुर ठीक कर रही हैं, पर उनकी दृष्टि श्याम सुंदर के मुखारविंद पर ही टिकी है। प्रिया जी के मुख से धूर्त शब्द सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। श्याम सुंदर बड़े प्रेम से कहते हैं, अच्छा अब ऐसा नहीं करूँगा, तुम्ही ने तो वृंदा को संकेत किया था कि पान पहले मैं खाऊं, इसीलिए कि कहीं तुम रुष्ट ना हो जाओ मैंने पहले खा लिया, अब तुम खा लो। श्याम सुंदर वृंदा के हाथ से बीड़ा लेकर प्रिया जी के मुख में देने लगते हैं। प्रिया जी इस बार श्याम सुंदर का हाथ पकड़े रखती हैं तथा सावधानी से बीड़े को अपने मुँह में धीरे धीरे ले लेती हैं। इन दोनों को बीड़ा खिलाकर वृंदा सभी सखियों को बीड़ा खिलाने चलती हैं, पर श्याम सुंदर सिंहासन से उठकर स्वयं पनबट्टे से पान निकालते हैं तथा सखियों को खिलाते हैं। प्रत्येक सखी ऐसा अनुभव कर रही है कि श्याम सुंदर पहले पान मुझे खिलाने आए हैं, अतः आनंद में विवल हो जाती है, पर साथ ही नखरे से यह कहती है, मैं तो अभी सुर ठीक कर रही हूँ, पहले उसे दे आओ फिर मुझे दे देना। श्याम सुंदर अत्यंत प्यार से कहते हैं, हाथ से थोड़े ही खाओगी, तू वाद्य का सुर ठीक करती रहे, मैं तुम्हारे मुँह में पान रख देता हूँ। सखी कहती है, धूर्तता तो नहीं करोगे, अर्थात राधा रानी की तरह मुंह में देकर फिर झटक कर अपने मुंह में तो नहीं रख लोगे। श्याम सुंदर हंसकर कहते हैं, सर्वथा नहीं। तब सखी पान खाने के लिए अपना मुंह खोल देती है और श्याम सुंदर उसके मुख में पान दे देते हैं। उसे पान खिलाकर फिर उसके कपोलों को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से छूकर कहते हैं, देखना भला चूना अधिक हो तो उगल देना। सखियाँ हंसती हुई कहती हैं, हाँ हाँ उगल दूंगी। इस प्रकार एक साथ ही सबको पान खिलाकर श्याम सुंदर फिर राधा रानी के पास आकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। राधा रानी को पान खिलाते समय श्याम सुंदर ने अपनी मुरली सिंहासन पर रख दी थी। वे जब पान खिलाने उठे थे तो राधा रानी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। ऐसा करते ही वे समाधिस्थ सी हो गई थी। दृष्टि तो श्याम सुंदर की ओर लगी थी, परंतु मुरली को अपने हृदय से लगाए हुए चित्र की तरह बैठी हुई थी। श्याम सुंदर जब पुनः सिंहासन पर बैठे तब भी श्री प्रिया मुरली दबाए उसी प्रकार बाह्य ज्ञानहीन सी स्थिति में बैठी रहीं। श्याम सुंदर निर्निमेश नैनों से श्री प्रिया की मुख शोभा निहारते हुए कुछ देर तक सिंहासन पर शांत भाव से बैठे रहते हैं। इसी समय दोनों की यह अवस्था देखकर ललिता खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। ललिता के हंसने से श्याम सुंदर की भाव समाधि शिथिल हो जाती है और वे रानी की ठोड़ी को दाहिने हाथ की अंगुलियों से छूकर कुछ हिलाते हुए से कहते हैं, प्रिय, आज मुरली का अहो भाग्य है कि
इसे तूने अपने हृदय से लगाकर इसकी सारी व्यथा दूर कर दी। मैं जब जब इस मुरली को होठों से लगाता तभी मुझसे यह कहा करती कि प्यारे श्याम सुंदर, तुम मेरे अंदर राधा राधा की तान जिस समय छेड़ते हो उस समय राधा रानी विकल होकर यह देखने के लिए दृष्टि उठाती हैं कि तुम कहाँ स्थित रहकर तान छेड़ रहे हो। Why is Amazon paying me $20,000? Well, I didn't make this kind of money selling yoga mats. पर तुम्हें नहीं देखकर वे रो पड़ती हैं और कहती हैं कि कृष्ण की प्यारी मुरली के, तू तो स्त्री है, स्त्री के कोमल हृदय में जब वियोग की आग धधक उठती है उस समय की व्याकुलता कितनी असह्य होती है बहन, इसे तू जानती होगी। फिर इस प्रकार मेरी वंचना तू क्यों करती है बहन? मैं जिधर कान लगाती हूँ, जिस दिशा में कान लगाकर सुनती हूँ, उसी दिशा में तू बजती हुई प्रतीत होती है। मैं निर्णय नहीं कर पाती कि मेरे प्रियतम श्याम सुंदर किस दिशा में है, कहाँ पर है। ऐसा कहकर राधा रानी अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। इसीलिए मेरे प्यारे श्याम सुंदर, एक बार जब तुम दोनों साथ रहो तब रानी के हृदय के पास मुझे पहुँचा दो। फिर मैं रानी को इसका वास्तविक रहस्य समझा दूंगी कि रानी, मैं वंचना नहीं करती हूँ, अपितु तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी वंचना करता है। मेरी प्यारी रानी, तुम्हारे इस हृदय में निरंतर श्याम सुंदर बसे ही रहते हैं, एक निमेश के लिए भी यहाँ से नहीं निकलते। यही कारण है कि तुम्हारा यह हृदय भी श्याम सुंदर का निरंतर संग करते करते श्याम सुंदर की तरह तुम्हें ठगने लग गया है। मेरी बात सच है या झूठ, इसकी अभी अभी जांच कर लो। देखो, मैं तुम्हारे हृदय को दबाकर बैठी हूँ, तुमने मुझे अपने हाथों में ले रखा है। श्याम सुंदर तुम्हारे बगल में बैठे हैं, पर तुम्हारा हृदय तुम्हें यह सुझा रहा है कि यहाँ से दूर किसी रमणीय कदम की छांव में त्रिभंगी होकर श्याम सुंदर मुरली में मेरा नाम गाते हुए मुझे बुला रहे हैं। प्रिय, मैंने मुरली को वचन दे रखा था कि आज प्रिया राधा से तुम्हें एक बार हृदय से लगाने के लिए प्रार्थना करूँगा, सो तुमने बड़ी कृपा की, तुमने मेरे वचन की रक्षा अपने आप कर दी। देखना भला, अब बेचारी मुरलिका से अच्छी तरह पूछ पूछ करके अपना सारा संदेह मिटा लेना। श्याम सुंदर की वाणी कानों में पड़ते ही श्री प्रिया की भाव समाधि कुछ शिथिल तो हो गई थी, पर वह अभी पूर्णतः टूटी नहीं थी। श्री प्रिया ठीक उसी प्रकार अनुभव कर रही थी कि श्याम सुंदर कुछ दूर पर कदम की छाया में खड़े रहकर मेरे नाम की तान भरते हुए मुझे बुला रहे हैं। अब जब श्याम सुंदर ने बोलना बंद कर दिया तब श्री प्रिया को चेत हुआ। उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। श्री प्रिया अर्धबाह्य ज्ञान की सी दशा में श्याम सुंदर की उन सब बातों को भी प्रायः सुन चुकी थी। अब चेत आ जाने पर उन्होंने सारी परिस्थिति समझ ली कि श्याम सुंदर जब सखियों को पान खिलाने गए थे उस समय मैंने मुरली को उठाकर अपने हृदय से लगाया था। लगाते ही मैं सुदबुद हो बैठी। रानी संकुचित सी हो गई तथा दाहिने हाथ से श्याम सुंदर के कंधे को हिलाती हुई एवं बाएं से मुरली को श्याम सुंदर के होठों पर रखती हुई बात बदलने के उद्देश्य से बोल उठी, प्यारे श्याम सुंदर, आज विशाखा ने मुझे संध्या के समय बड़ा ही सुंदर एक गीत सुनाया था, मैं फिर सुनूंगी, तुम विशाखा की बीड़ा सुर में मुरली बजा दो, देखना जानबूझकर सुर नहीं बिगाड़ना। श्याम सुंदर हंसते हुए कहते हैं, विशाखे गा, पर मुरली बजाने का ठीक ठीक पारिश्रमिक मुझे तुम्हारी सखी से मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे दूना लूँगा। विशाखा तिरछी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, यह पहले से ही कह देती हूँ कि तुमने कहीं अनाप शनाप पारिश्रमिक मांगा तो मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। अब तक सभी सखियों ने वीणा मृदंग एवं अन्य अन्य वाद्यों के सुर मिला लिए थे, सभी बजाने की मुद्रा में प्रस्तुत बैठी हैं। विशाखा की बात सुनकर ललिता कहती हैं, श्याम सुंदर, सज्जन गायक एवं बजाने वाले मोल तोल नहीं ले करते, वे श्रोता को प्रसन्न करते हैं। तुम पहले मेरी सखी को मुरली सुनाकर प्रसन्न करो, घबराते क्यों हो? श्याम सुंदर बड़ी उत्सुकता से हंसते हुए कहते हैं, बस बस ललिते, तू अपना यह वचन याद रखना, मैं तुम्हारी सखी को प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूँ। श्याम सुंदर होठों पर मुरली रखकर दोनों हाथों की अंगुलियों से छिद्र की संभाल रखते हुए विशाखा की वीणा के सुर में सुर मिलाकर तान छेड़ते हैं। कुछ क्षण तक केवल वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है, सर्वत्र मधुरिमा बिखरने लगती है तथा अत्यंत कोमल एवं अतिशय मधुर स्वर में विशाखा गाती है, सखी हों श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वा मूरति सूरत माही पगी,
संग हुतो अपनो सपनो सो सोई रही रस होई जागियूं आगे दृष्टि परे सकु न कुन न्यारो होई एक जो मेरी अखियन में निस द्योस रहयो करिभौन गाई चरावन जात सुनो सकी सोधो कन्हैया कौन कासु कहूँ कौन पति आवे कौन करे बकवाद कैसे कह कही जात गदादर घूंगे को गुड़स्वाद। गीत समाप्त होते ही सारी मंडली प्रेम में बेसुध सी हो जाती है। श्याम सुंदर तिरछी चितवन से श्री प्रिया को देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। श्री प्रिया को क्षण तक तो हक्की बक्की सी मुद्रा बनाए हुए बैठी रही पर फिर श्याम सुंदर के बाएं कंधे को हिलाकर जोर से हंस पड़ती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, विशाखा रानी अपनी सखी से पूछो कि मुरली ठीक से बजी या नहीं और उन्हें सुख मिला या नहीं। यदि सुख नहीं मिला तो फिर दूसरी बार कुछ बजा करके सुनाऊं और यदि उन्हें सुख मिला तो मेरा पारिश्रमिक पुरस्कार के साथ मिलना चाहिए। श्याम सुंदर की बात सुनकर विशाखा बीड़ा को अपने सामने रख देती हैं तथा मुस्कुराती हुई उठकर राधा रानी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। रानी संकेत के द्वारा ललिता से कुछ कहती हैं। ललिता आकर श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो जाती हैं तथा कहती हैं, देखो न्याय की बात यह है कि पुरस्कार तो मुरली को मिले और पारिश्रमिक तुम्हें। अवश्य यह ठीक है कि मुरली भी तुम्हारी ही है और प्रकारांतर से यह पुरस्कार तुम्हारे ही पास आ जाएगा पर यह हमारी जाति की है इसलिए इसे तुम्हारे सामने हम लोगों के द्वारा दिए हुए पुरस्कार से भूषित होने में संकोच होगा इसीलिए इसे हमें दे दो। राधा से हमारी बात हो गई है, मैं इसे पुरस्कार देकर फिर तुम्हारे पास ला दूंगी तथा पारिश्रमिक की बात तुम विशाखा से करो, मैं उस संबंध में कुछ नहीं जानती। श्याम सुंदर मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे तू अच्छी पंच बनी, तुम्हें पता है यह मुरली हमसे कितना प्रेम करती है। मुझे तुम्हारी सखी को तो मनाने में अत्यधिक अनुनय करना पड़ता है और यह लाज छोड़कर मेरे संकेत से ही अपने होठों को मेरे होठों पर रखकर जो मैं कहता हूँ वही करने लग जाती है। इसे मेरे सामने पुरस्कार स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं होगा, तू ला कर दे तो सही। ललिता मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा यही सही, क्या करूँ तुम मानते ही नहीं, हमें यदि देते तो अधिक लाभ होता पर जाने दो। अच्छा सुनो, जितनी देर तुमने इसे होठों पर रखकर विशाखा के संगीत के लिए इसमें सुर भराए उतनी देर मेरी सखी राधा इसे अपने होठों पर रखकर इसका सम्मान करती हुई तुम्हारे गाने के समय इसमें सुर भरेगी। श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, ललिते सुंदर से सुंदर तुम एवं तुम्हारी सखी ने बहुत उदारता से पुरस्कार दिया है, अब आशा है कि पारिश्रमिक पाकर तो मैं निहाल ही हो जाऊंगा क्योंकि पारिश्रमिक तो पुरस्कार की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यह सदा का नियम है। श्याम सुंदर बड़ी फुर्ती से श्री प्रिया के होठों पर वंशी रख देते हैं। श्री प्रिया उसके ऊपरी छिद्र में फूंक भरने लगती हैं, बाएं हाथ से वंशी को पकड़े रहती हैं और दाहिना हाथ श्याम सुंदर के बाएं कंधे पर ही रखे रहती हैं। श्याम सुंदर कुछ तिरछे बैठकर वंशी के अन्य छिद्रों को अपने दोनों हाथों से दबाते उठाते हुए सुर ठीक करते हैं। फिर वीणा एवं अन्यान्य वाद्य यंत्र बजने लगते हैं एवं मधुरतम सुंदरतम स्वर में श्याम सुंदर गाना प्रारंभ करते हैं। प्यारी तेरे नैनन को व्यवहार रूप तुरंग चढ़े मधमाते मृग मन करत शिकार भौह कमान रही चढ़ दिन प्रति चितवन बान सुचार सहज अरुण अति खून घुमारे खूनी खून कुमार कच्चल रेख अनि अति तीखी निरखि डरत सतमार अलबेली अलिप्राण विहंगम परे प्रेम के जार। श्याम सुंदर के कंठ की मधुरिमा से सारा वन रसने हो उठता है। वेदी के चारों ओर जो केले के वृक्ष लगे हैं उनमें से भी रस चूने लग जाता है। यद्यपि श्याम सुंदर संगीत बंद करके मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रिया के मुखारविंद की ओर देख रहे हैं अब पर अभी भी दिशाओं से यह ध्वनि अत्यंत मधुराति मधुर होकर गूंजती हुई सुन पड़ रही है, अलबेली अलिप्राण विहंगम परे प्रेम के जार। श्री प्रिया अब बहुत धीरे से खड़ी हो जाती हैं तथा चित्रा को संकेत से अपने पास बुलाती हैं। वे उसके कान में कुछ धीरे से कहती हैं। चित्रा श्याम सुंदर से कहती है, देखो श्याम सुंदर अब मेरी सखी गाना चाहती है पर यह वचन देना पड़ेगा कि तुम संगीत समाप्त होने तक स्थिरता पूर्वक बैठे बैठे सुनते रहोगे।
श्याम सुंदर कुछ देर तक सोचते रहते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छी बात है, जब तक संगीत होता रहेगा तब तक मैं स्थिरतापूर्वक बैठकर सुनता रहूँगा। श्री प्रिया विशाखा के हाथ से बीड़ा ले लेती हैं तथा बीड़ा विनिंदित स्वर में गाने लगती हैं। जब रूप के रंग रंगी सजनी, तब पौड़ी पलोटी सुआवई को, मुख कंज मनोज विभृंगिन सी लपटी चपटी न उड़ावई को। जब मादक माधुर्य पान पगी, तब घूंघट ओट धुरावई को, गुनवारे गोपाल की आँखें सौ उर्जी अखियाँ सुलझावई को। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रिया की ओर एकटक देखते हैं। श्री प्रिया दृष्टि उठाकर कई बार देखती हैं, पर श्याम सुंदर को अपनी ओर देखते हुए दृष्टि मिल जाने से लजाकर आंखें नीचे कर लेती हैं। श्री प्रिया गाती जाती हैं तथा वे बीच बीच में इस प्रकार दृष्टि उठाकर श्याम सुंदर को देखने की चेष्टा करती हैं। अंतिम चरण पूरा होते ही कई सखियाँ धीरे से एक साथ ही बोल उठती हैं, बहन बंद मत कर देना, एक और एक और। सखियों के अनुरोध पर प्रिया फिर गाती हैं, चख कोर चकोर बनाए भटू ससी आनन सो शरमावही को, मृदु बोलन गाढ़ कपोल धसी फसी रूप सरोवर पावही को, सुरतान ते मोहि मृगी ज्यो अली बहुरो बन बीथि मिलावही को, गुनवारे गोपाल की आखिन सो उर्झी अखिया सुलझावही को। इस बार अंतिम चरण गाते गाते श्री प्रिया का कंठ भर आता है, गला रुधकर स्वर अस्पष्ट होने लग जाता है, सारा शरीर पसीने से भर जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। वे मूर्छित होकर गिरने वाले ही थीं कि श्याम सुंदर चटपट आसन से उठकर श्री प्रिया को संभालने लगते हैं। श्री प्रिया यंत्र की तरह श्याम सुंदर की गोद में सिर रख कर लेट जाती हैं। श्याम सुंदर अपने दाहिने हाथ से श्री प्रिया के लीलार को सहलाने लगते हैं। सभी सखियों में प्रेम उमड़ रहा है। श्री प्रिया के गीत को सुनकर प्रायः सभी बाह्य ज्ञान शून्य सी हो गई हैं। केवल दो चार मंजरियाँ बड़ी कठिनाई से अपने को संभाले रखकर खड़ी हैं तथा निर्निमेश नैनों से श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान कर रही हैं। कुछ देर तक शांति आनंद तथा प्रेम का प्रवाह इतना अधिक प्रबल रहता है कि सर्वत्र नीरवता छाई रहती है। प्रिया अपनी आँखें खोलकर देखती हैं, पर आँखें फिर बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे सखियाँ भी भाव समाधि से जगकर श्याम सुंदर को देखती हुई मुस्कुराने लगती हैं। अब श्री प्रिया भी आंखें खोलकर मुस्कुराती हुई श्याम सुंदर की गोद से उठकर बैठ जाती हैं तथा बाएं हाथ से श्याम सुंदर के कंधे को एवं दाहिने हाथ से श्याम सुंदर की ठोड़ी को हिलाती हुई मुस्कुराकर कहती हैं, तुमने अपना वचन भंग क्यों कर दिया, संगीत के बीच में ही उठकर क्यों आए। श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा, मैंने वचन भंग सर्वथा नहीं किया है, जब तक संगीत संग प्लस गीत अर्थात ठीक ठीक तरह से गाया जाने वाला गीत था, तब तक स्थिरतापूर्वक सुनता रहा। तुमने संगीत को बिगाड़ दिया अर्थात तेरी वाणी लड़खड़ाने लग गई, तो मैं फिर बंधन में क्यों रहता। सखियां हंसने लगती हैं। वहीं श्री वृंदा की दासियां पीले रंग के पान की पत्तियों के बने हुए बीड़े सोने की परात मिलाकर रख देती हैं। इस बार श्री प्रिया चट से दो बीड़े उठाकर श्याम सुंदर के मुख में रख देती हैं। श्री श्याम सुंदर बीड़ा खाने लगते हैं। श्याम सुंदर दो बीड़े उठाकर श्री प्रिया को खिलाना चाहते हैं, पर प्रिया कहती हैं, मुझे तो प्यास लगी है। श्याम सुंदर कहते हैं, प्यास तो मुझे भी लगी थी, पर तुमने मुँह में पहले पान खिला दिया, अब तुम्हारे हाथ का पान कैसे छोड़ देता। श्री प्रिया रूप मंजरी को संकेत करती हैं। रूप मंजरी प्याले के आकार के पर प्याले से कुछ लंबी आकृति के सोने के गिलास में शीतल सुवासित जल लाती हैं तथा श्री प्रिया के हाथों में पकड़ा देती हैं। श्री प्रिया गिलास लेकर पानी पीने के लिए श्याम सुंदर को संकेत करती हैं। रानी के हाथ से श्याम सुंदर गिलास पकड़ लेते हैं। विशाखा उठकर श्याम सुंदर के मुख के पास फीकदानी ले जाती हैं। श्याम सुंदर उसमें पान को उगल देते हैं, फिर गिलास से घूंट भरकर उस सोने के कटोरे में जिसे लमंग मंजरी पास में लिए हुए खड़ी हैं कुल्ला कर देते हैं। फिर वे आधा गिलास पानी पी जाते हैं। इसके बाद गिलास को राधा रानी के होठों से लगा देते हैं। रानी लजाते लजाते पाँच छह घूंट पानी पी लेती हैं। चित्रा दोनों के मुख को क्रमशः सुंदर रुमाल से पोंछ देती हैं। फिर रानी अत्यंत प्यार से श्याम सुंदर के मुख में एक बीड़ा रख देती हैं। श्याम सुंदर रानी के मुख में दो बीड़े एक साथ ही रख देते हैं। श्याम सुंदर ने जानबूझकर दो बीड़े उठाए थे, एक साथ ही उनको मुख में दे देने के कारण रानी का दाहिना कपोल किंचित ऊंचा सा हो जाता है। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए उसे देखने लग जाते हैं।
श्री प्रिया कुछ और भी लजा जाती हैं तथा शीघ्रतापूर्वक पान को दांतों से कुचल कर पतला कर लेती हैं। पहले की तरह श्यामचंदर सखियों को भी एक साथ ही एक क्षण में पान खिला देते हैं। अब परात के पान आधे हो जाते हैं। राधा रानी उठ पड़ती हैं, श्याम सुंदर भी उठ पड़ते हैं। इसी समय वृंदा की दासी सामने आती हुई श्री यमुना जी के प्रभाव में से एक कमल तोड़कर लाती है और प्रिया जी के हाथ में दे देती है। श्री प्रिया कमल को हाथ में लेकर कहती है, री एक और तोड़ ला। श्याम सुंदर से प्रिया की बात सुनकर चटपट बोल उठते हैं, प्रिय चलो आज नाव पर चढ़कर कमल के फूल तोड़ें। श्याम सुंदर की बात सुनते ही कई सखियां एक साथ बोल उठती हैं, हाँ हाँ चलो। विशाखा मुस्कुराते हुए उत्तर की ओर मुख करके चल पड़ती हैं। श्याम सुंदर हंसते हुए कहते हैं, विशाखा रानी मेरा पारिश्रमिक मिलना अभी शेष है, यमुना के कमल वन से पार होने तक मुझे मिल जाना चाहिए, इसका दायित्व तुम पर है। विशाखा मुस्कुराते हुए आकर श्री राधा के कान में धीरे से कुछ कहने के लिए रानी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर झुका लेती हैं तथा कान में कुछ कहती हैं। रानी मुस्कुराती हुई कहती हैं, बहुत ठीक। विशाखा कहती हैं, हाँ श्याम सुंदर मिल जाएगा, मेरी सखी की आज्ञा हो गई है। बात समाप्त करके श्री प्रिया प्रीतम मंद मधुर गति से उत्तर की ओर चलते हुए कमल वन विहार के लिए यमुना तट पर आकर खड़े हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। Does your pet mean the world to you? This message